दोस्तों आज की जो वीडियो है ये वीडियो रूफ टॉप गार्डन के लिए नहीं है बल्कि हमारे किसान भाइयों के लिए है। आज मैं आप लोग को जो वैरायटी दिखाने जा रहा हूँ इससे किसान भाई हमारे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और ये है कटहल की वैरायटी वियतनाम अर्ली, जो कि मार्केट में इस समय इसकी काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं और किसान भाई जो हमारे हैं वो इसको इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि इससे किस तरह वो अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी चर्चाएँ मार्केट में इससे ज़्यादा हो रही है क्योंकि लगभग एक पेड़ है, पहले साल से ही आप लगाते हैं तो पहले साल में 8 से 10 kg लगभग ये फल देने लगेगा और फिर दूसरे साल और तीसरे साल तक का लगभग दोस्तों एक पेड़ में दोस्तों आपको लगभग 50 से 60 किलो तक का आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर 100 पौधे इस तरीके से अगर आपने लगा दिए तो आप समझ सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छी अर्निंग आप इससे कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ सुपर नर्सरी और यहाँ पर इनके पास में बहुत सारे इनके प्लांट हैं, तो किस तरीके से इनसे किसान भाई हमारे अर्निंग कर सकते हैं और भी इनसे किस तरह फायदा ले सकते हैं और किस तरीके से प्लांट खरीद सकते हैं नदीम भाई से चलिए दोस्तों जानते हैं। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर आप लोग को देखने को मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे सामने नदीम भाई हैं और चलिए जानते हैं कि इस पौधे से हम लोग किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। देखिए आपको बता दें सबसे पहले कि ये इसका नाम है वियतनाम सुपर अर्ली जैकफ्रूट जी। ये इसमें की 2-3 वैरायटी है, हालांकि ओरिजिनल जो वैरायटी है ये सुपर अर्ली वियतनाम जी जी। तो इसका खासियत इसके अंदर ये है कि ये 1 फीट से 2 फीट से फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा आपका। अच्छा, आप देख सकते हैं कि अभी से इसमें जो है जितने भी पेड़ हमारे पर रखे हुए हैं सब में अभी से फल निकल चुका है जी, छोटे से पौधे से। हालांकि अभी आपको ये फल लेना नहीं है, आपको फल लेना है कम से कम 2 साल का या 1.5-2 साल का पौधा आपका मजबूत हो जाए, जैसे कि आपका उसमें मजबूत और स्टम हो जाए उसमें, तब आप उस पर फल लीजिएगा। तो इसलिए इसको जो इसकी खासियत है इसकी यही है कि ये 1 साल से फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है पूरा। अच्छा, ये पौधे किस तरह ग्राफ्ट के थ्रू तैयार किए जाते हैं? हाँ, ये ग्राफ्ट किया जाता है। ये और ये पौधे कहाँ से मंगाए जाते हैं? देखिए ये वियतनाम की वैरायटी है और वियतनाम से ये पौधा आता है। हालांकि वियतनाम से हमारे पास बंगाल आता है, बंगाल से अपने पास यहाँ आता है। तो हमारे को एक सिस्टम होता है हम लोगों को कि डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग होते हैं, तो जहाँ से माल हमारे पास ये जब ये वहाँ से सर्टिफाइड वैरायटी होती है तब हमारे पास ये यहाँ पर लॉन्च होता है हम लोगों के पास आके। लगभग कितने पौधे लगाए जाएं तो इससे अर्निंग कर सकते हैं हमारे किसान? देखिए अभी से स्टार्टिंग अगर आपको करना है तो किसी के पास जमीन, किसी के पास 1 एकड़ है या 1 बीघा है या 1 बिसवा है जी जी, तो उसके हिसाब से तो ये आपको ये 12 फिट पे या 12x12 पे लगा सकते हो। अच्छा, 15x15 पे लगा सकते हो। तो जितने आपके 1 बिसवा में आता है या 1 बीघा में आ रहा है आपके। अच्छा, भाई 1 बीघा में कम से कम 120 पौधा लगेगा आपका। अगर 10x12 या 12x12 लगाएंगे आप तो आपका 120 आएगा। तो 120 पौधा आपका अगर लग जाएगा तो साल में उसकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी आपकी। अच्छा, ये मान लीजिए लगाने के कितने समय बाद ये फल देना शुरू कर देगा? ये लगाने के बाद 1 साल से ही स्टार्टिंग कर देगा आपको। अच्छा, 1 साल से पौधे में इसमें फ्रूटिंग, कुल मिला के इसमें जितने भी कल्ले हैं इसमें समझ लो पत्तों के साथ में इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट है। अच्छा, तो आप समझ लीजिए अभी से आप देख सकते हैं इसमें। हाँ, छोटे से पौधे में दोस्तों मैं देख रहा हूँ फल तो लगा हुआ है। दीप भाई ये बताइए कि हमारे किसान भाई इससे कितना साल में कमा सकते हैं? देखिए अब जैसे हमने अभी पहले भी बताया कि जैसे कि किसी के पास 1 बिसवा है, उसने अभी इसे स्टार्टिंग किया, उसने 10 पौधे लगाए। अच्छा, 10 पौधे उसने स्टार्टिंग किया तो उसमें अब ये समझ लिए 1 साल से फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा ये जी जी। 1 साल में कम से कम ये 8 से 10-12 kg निकाल देगा ये। मगर आपको ये फल आप डिपेंड करता अभी लेना नहीं है, कम से कम 2 साल का पौधा अच्छा सा जब इतना हाइट में हो जाएगा 2 साल का तो उसमें कम से कम आपको 25 से 30 kg निकालना स्टार्ट कर देगा। काफी बड़ा भी साइज होता है, हालांकि बड़ा साइज होता है सब्जियों के लिए बेस्ट रहता है ये वाला। और उसके बाद आपको उस पर डिपेंड करता है कि 2 साल में अगर पौधा मजबूत अच्छा है तो तब आप ले सकते हैं फल। हालांकि 3 साल बाद ये आपका पौधा 8 से 10 फीट का हाइट में हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें कम से कम 60 से 70-80 kg तक की निकाल सकता है ये फल। वो आपकी ग्रोथ पे होता है। और कम से कम एक पौधा आपको 7-8 हज़ार रुपया अर्निंग देगा एक पौधा। तो आपके 100 पौधे लगाएं या 10 पौधे लगाए तो आप जोड़ सकते हैं कि कितना अर्निंग होता है हमारा साल का एक सीजन में। एक ये जितनी अर्निंग बता रहे हैं ये एक सीजन के अंदर? एक सीजन के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब शुरुआत में छोटा पौधा हो तो उस पौधे के आप जो भी फ्रूट्स आ रहे हो फ्रूट्स को काट दीजिए, क्योंकि तो क्या होगा कि अगर वो फ्रूट पे फोकस करेगा तो पौधा बड़ा नहीं होगा और थोड़ा अर्निंग के चक्कर में आप ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। तो शुरुआत में 1-2 साल पहले साल इसके फल को काट दीजिए और फिर जब दूसरे साल तीसरे साल से पौधा अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा तो फल भी ज़्यादा आएंगे और अर्निंग भी ज़्यादा होगी।
तो अभी इसकी किस किस हाइट के पौधे मिलेंगे हमारे पास में? इसके हमारे पास हालांकि अभी फिलहाल स्टार्टिंग हमारे पास ये अभी 2 फीट का स्टार्टिंग, दो फीट ढाई फीट का। अच्छा। उसके बाद हमारे पास 3-3.5 फीट की हाइट में भी है, उसके बाद हमारे पास 5-6 फीट का भी हाइट है। हालांकि 4-5 साइज हमारे पे मिल जाएंगे, कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक भी आता है, जैसे छोटा साइज खत्म हो गया या मीडियम साइज खत्म हो गया, हालांकि सारे साइज हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों ये वियतनाम अर्ली का पौधा जो कि मार्केट में इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसके बारे में नदीम भाई ने हमें अच्छी जानकारी दी है। तो अब ये बताइए कि ये पौधा किसान भाई को चाहिए तो वो किस तरीके से आपसे खरीद सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ कि अगर किसान भाई हमसे पौधा लेना चाह रहा है तो हमारी नर्सरी पे विजिट कर सकता है, सुपर नर्सरी पे। बाकी अगर वो नहीं आ पाता है, अगर ऑनलाइन मंगाना चाहता है तो हमारा नंबर दिया हुआ है या हमारे व्हाट्सएप पे या जीमेल पे हमसे किस तरीके से बात कर पाए, उससे हमारे पास आप जितने पौधे बताएंगे उतने पौधे आपका बुक हो जाएगा। और आप कहेंगे तो आपको होम डिलीवरी भी हो जाएगी, मगर होम डिलीवरी में बस इतने हैं कि 10-12-15-20 पौधे हो पाएंगे। अगर क्वांटिटी के हिसाब से आपको 200-300 पौधे चाहिए तो आपके पास वो हमारे पास छोटी बड़ी गाड़ी रहती है, उससे आपके पास पौधा वो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों किसान भाई हमारे इनसे आकर भी पौधा खरीद सकते हैं, और अगर चाहें तो इनसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करके और वीडियो के जरिए देख कर इनसे पौधा खरीद सकते हैं। जितने पौधे चाहिए उतने पौधे पर्याप्त मात्रा पे इनके पास में उपलब्ध हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों इस तरीके से किसान भाई हमारे वियतनाम अर्ली की ये वैरायटी जिसकी इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है, तो मैंने कोशिश किया है कि अच्छे से इस वैरायटी के बारे में आप लोग को जानकारी दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो यदि मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा।